तो जब वहां पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इस बात को उठा रहे हैं, आज AICC के माध्यम से, मैं आप सब लोगों के माध्यम से, हम लोग कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि इस एडमिनिस्ट्रेटर को, प्रफुल्ल पटेल को, एकदम से वहां से वापस लिया जाए और ये जो दोनों ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं, इन दोनों ड्राफ्ट रेगुलेशंस को निरस्त किया जाए, क्योंकि ये हमारे उस इलाके के अंदर रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर एक तरीके से हमला है और इस हमले को हम कांग्रेस पार्टी कभी भी सहन नहीं करेगी, ये हम कहना चाहते हैं। तो इस मुख्य विषय के ऊपर, महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हमने यह प्रेस वार्ता बुलाई है। बेशक ये सुदूर इलाका है, बेशक ये छोटा सा इलाका है, मात्र 65,000 लोग रहते हैं, मात्र 10 द्वीप समूह में सिर्फ 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और यह हम सब लोगों का फर्ज बन जाता है कि यहाँ पर हमारे लोगों की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करी जाए। और बहुत सारे आइलैंड्स के अंदर तो हमारे ऐसे लोग वहां पर रहते हैं जिनकी रक्षा करना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और ऐसे समय के ऊपर हम लोग कांग्रेस पार्टी तत्काल प्रभाव से वापस हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया जाए, इसकी मांग करती है, और साथ के साथ में ये दोनों रेगुलेशन जो ड्राफ्ट रेगुलेशन हैं, इसको वापस लिया जाए, इसकी मांग करती है।